नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 55.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में फ्राइडे को इसने 2.95% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 10,952 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 73.60% है। बुक वैल्यू इसकी 20.50 है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है 2.24%। फेस वैल्यू 10 है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें स्प्लिट देखा जाए। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ये एक बैंक है, फाइनेंस का इसका सेक्टर है। यहाँ पे डिटेल में आप इसकी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है 2005 विद द मिशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द इकोनॉमिकली एक्टिव पुअर हु वर नॉट एडिक्वेटली सर्व्ड बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली इनका पर्पज़ क्या था उसके बारे में बताया है। अभी के लिए इसके फंडामेंटल्स कुछ चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं। तो अभी स्टॉक करंटली 50 एंड 200 डीएमए दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसको गोल्डन क्रॉस मिला है, प्राइस ने 50 एंड 200 डीएमए को गोल्डन क्रॉस दिया है अभी कुछ दिन पहले। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो जो है बिल्कुल मीडियन के ऊपर ही है समवॉट। एक बार इसको थोड़ा सा ईयरली पे कर लेते हैं तो ये देखिए ईयरली जो है पी रेशो वो मीडियन से छोटू सी ऊपर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें काफ़ी नीचे चली गई थी पहले तो ये थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे दिखा रहा है। पी रेशो मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है, 3 इयर्स 5 इयर्स पे ये दिखा रहा है, 10 इयर्स पे ये दिखा रहा है, तो 3 इयर्स पे थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। सो अभी मीडियम से नीचे है बट 1 ईयर पे मीडियम से ऊपर है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है क्योंकि ऑफकोर्स डेटा थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग है। 6 मंथ्स का देखें तो बिल्कुल पी मीडियन के ऊपर है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि पीई जो है ना, पीई अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें अगर जैसे हम बोलते हैं किसी से इसको सेक्टर के साथ किया जाता है, इसके पीयर्स के साथ किया जाता है, जैसे पीई है यहाँ पे इसके पीयर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, इसके सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाता है कि सेक्टर में पीई कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर इसके जो जैसे कि किसी फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है ग्रोथ पीरियड में उसका पीई हाई है तो कई बार बोलते हैं कि ये तो बहुत महंगा मिल रहा है, तो उसका जो रेशो होता है पीई ग्रोथ रेशो जो होता है उसको देखना पड़ता है। तो पीई अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको डिटेल में हम जो कोर्सेज बना रहे हैं उसमें मेंशन किया है हमने डिटेल में, तो जल्द ही वो कोर्सेज अपलोड कर देंगे। अभी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अभी के लिए देखें तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट इसका पीई आ रहा है। तो हम एक बार चलते हैं 1 ईयर का लेके, तो 1 ईयर का लेके चले तो पीई मीडियम से छोटू सा ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है, मैक्सिमम का देख रहे हैं बिल्कुल इंटैक्ट है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही हैं एंड रेस्ट यहाँ पे इंटरप्राइज वैल्यू एंड बाकी सारी चीज़ें हैं। डिटेल में बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा फंडामेंटल में, तो इसको कोर्स में हम कवर करेंगे सो दैट कि जिसको ज़रूरत हो वो इस नॉलेज को लो, जिसको नहीं हो वो स्किप कर सकता है। अभी के लिए प्रोज एंड कॉन्स देखें तो प्रोज में कंपनी का इसने बताया है कि एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है। इसका क्वार्टर का ऑफकोर्स 31 मार्च को हो गया है ख़त्म, तो उसका रिजल्ट भी आएगा। डिलीवर्ड गुड ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 176% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 24.8% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसमें गलत क्या चीज़ है कि पीई जो है बुक वैल्यू से ऊपर, पीई नहीं सॉरी प्राइस जो है बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू यहाँ पे 20 है एंड यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो इन्होंने लो बताई है एंड कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.64% ओवर पास्ट 3 ईयर्स। ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, ऑफकोर्स ग्रोथ के साथ ही सारी चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत लंबे टॉपिक हैं, किसी को जानना होगा तो कोर्सेज में ऑफकोर्स हम इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। अभी के लिए देखें तो पीयर्स का ऐसे तो मैं कंपेयर करती नहीं हूँ, पर देखें तो यहाँ पे पी काफ़ी कम है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका भी यहाँ पे बोलेंगे कि येस बैंक का बहुत ज़्यादा है। अगर इसका ग्रोथ पीरियड एंड ग्रोथ रेट एंड बाकी सारी चीज़ें से निकालेंगे, पैग जिसको पैग बोलते हैं, पैग रेशो बोलते हैं, पी ई ग्रोथ रेशो जिसको बोलते हैं वो निकालेंगे तो थोड़ा उसमें काफ़ी डिफरेंस पड़ता है अगर डिटेल में जाएँ। अभी के लिए देखें तो अभी देखिए ये जो क्वार्टर गया है 31 मार्च को जो खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर, इस क्वार्टर का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, पर पुराना थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हम वीडियो बना रहे हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ कोर्स कवर करेंगे। तो क्वार्टर सेल्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स डेफिनेटली इंक्रीज हुई है एंड प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के साथ इसको कंपेयर करें तब भी सेल्स इंक्रीज हुई है। यहाँ पे इंटरेस्ट की सॉरी सेल्स नहीं रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, सेल्स ही मुँह निकल रहे हैं मुझसे, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है क्योंकि फाइनेंस में है तो उसमें रेवेन्यू देखा जाता है।
यहाँ पे इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है, इंटरेस्ट के साथ साथ इसके एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। तो उसके बाद फाइनेंसिंग मार्जिन यहाँ पे कम था पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। अदर इनकम जो है वो भी टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट आया है, तो वो आया है 300 एंड पहले था 328, बट प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा आया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बताया है कि अर्निंग पर शेयर जो है इसकी कम हुई है, यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो थोड़ी सी बड़ी है, एंड बाकी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में हैं। अभी के लिए हम चलेंगे, थोड़ा सा बैलेंस शीट भी नहीं हम देखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल कर दिया जाता है जब रिजल्ट आता है तो उसमें क्लियरली पता चलता है चीज़ों का। कैश फ्लो की बात करें तो क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर में है तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ये पॉजिटिव में है, ये अच्छी बात है। नेगेटिव से पॉजिटिव में हुआ है एंड काफ़ी बड़ा जंप मिला है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि अगर इसमें टोटल में देखें नेट कैश फ्लो जो है वो कम रहा है, बट ये अच्छी बात है कि नेगेटिव से ये पॉजिटिव में हुआ है, ठीक है। बाकी ये पॉजिटिव में है, बट ये वाला जो है इन्वेस्टिंग वाला, इन्वेस्टिंग का काफ़ी कम आया है इस बार। अगर ये थोड़ा सा ठीक आ जाता पिछले के हिसाब से तो मुझे लगता था कि यहाँ पे पॉजिटिव में आ सकता था ये। अभी शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने सितंबर से लेकर दिसंबर में थोड़ी सी अपनी शेयर होल्डिंग कम करी है, 0.06% की होल्डिंग कम करी है। वो होल्डिंग थोड़ी सी चली गई है FIIs के पास एंड थोड़ी सी गई है यहाँ पे DIIs ने भी थोड़ी सी कम करी है, तो थोड़ी सी पब्लिक के पास भी गई है, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके, इन शॉर्ट बात करूँ तो मुझे अच्छा लगा है स्टॉक, मुझे अच्छा लगता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ग्रोथ रेट भी इसका अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर लगाया है एक एंड एक ऑसिलेटर है। इंडिकेटर है मेरा SAR का पैराबोलिक एंड ऑसिलेटर है मेरा RSI का, जो कि मेरा फेवरेट ऑसिलेटर है। बाकी ऑसिलेटर्स भी यूज़ करती हूँ पर ये मेरा काइंड ऑफ फेवरेट है। मैं वैसे तो काफ़ी टाइम से इस स्टॉक पे वीडियो बनाना चाहती थी, बट ड्यू टू मैं कोर्सेज पे भी काम कर रही हूँ, वो भी अपलोड करने हैं एंड और भी वीडियोस बनानी होती हैं, तो उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, एंड उसी बीच ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग गया, एंड मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि पहले बनाती तो शायद हम कुछ फ़ायदा उठा सकते इसका। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये होता है, ये जैसे ये यहाँ पे क्रॉसेस दिख रहे होंगे, प्लस के साइन है बेसिकली ये, तो जब ये ऊपर होता है, ये ऊपर दिखाते हैं क्रॉसेस, तो इसका मतलब होता है स्टॉक नीचे जाएगा। जैसे ही नीचे बन जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अभी ऊपर ही बना है, उम्मीद ऊपर की है। टेक्निकली अगर देखें तो इसके ऊपर जाने के काफ़ी आसार हैं, अभी डिटेल में जानेंगे। RSI जो है हमारा 60 पे जा चुकी है, 60 क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पे इसने रेंज शिफ्ट किया है, इसको पोलैरिटी चेंज भी होता है, एक एक रेंज शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे बेसिकली इसने रेंज शिफ्ट किया है। तो क्या होता है कि मैं जो एनालिसिस करती हूँ तो मैं लगाती हूँ ये लाइन जो है ये 40 की है, ये 60 की है, ये 80 की है, मेरे को एनालिसिस पे ये बिल्कुल फिट बैठती है। तो जब तक स्टॉक 40 एंड 60 के बीच में है वो मैं साइडवेज मार्केट में जाता है यूजली, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 40 और 60 के बीच में है एंड ये साइडवेज मार्केट में गया है। जैसे ही स्टॉक निकल जाता है 60 से ऊपर वो अप ट्रेंड होता है, एंड 40 से नीचे गया वो लोअर ट्रेंड होता है, ठीक है। यहां पे गया था 40 से नीचे, देखिए यहां पे 40 से नीचे गया तो लोअर ट्रेंड यहां पे स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस के लिए, मेरे को ये वैल्यू फिट बैठती है, कई लगाते हैं यहां पे 30 50 एंड 70 की, वो उनकी एनालिसिस के लिए फिट बैठता होगा, मेरे लिए ये फिट बैठता है तो मैं ये लगाती हूं, ठीक है। तो अभी के लिए टेक्निकली देखें तो देखिए 60 से ऊपर निकल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये है उसने थोड़ा सा हॉल्ट ये लेती है एंड फिर उसके बाद मूव देते के बाद रिवर्सल भी लेती है। ये अभी हमें बहुत अच्छे मूव दे चुका है, यहाँ पे मूव देखें हम तो यहाँ पे हमें लगभग 24% के ये मूव दे चुका है, काफ़ी अच्छे, ठीक है। एंड इस टाइम पे इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, इस टाइम पे ये जो ट्रेड करा है वो अपने काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे ट्रेड करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको काफ़ी बार रेजिस्टेंस भी बनी थी, इसको सपोर्ट भी बनाया गया, यहाँ पे यहाँ से चलता आ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से साइडवेज मार्केट थी एंड जब मार्केट में करेक्शन हुई स्टॉक नीचे गया, एंड उम्मीद तो मेरे को पूरी थी कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग। जा सकते हैं क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड वैसे भी इतनी फ्लक्चुएशन मतलब जायज होती है, तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि स्ट्रांग है कि यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है 53.30। अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी
वैसे भी इतना भाग चुका है, थोड़ी सी हो सकता है कि हॉल्ट ले ये यहाँ पे, एंड रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि मंडे को कल ये थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट ले या छोटा सा मूव देके इसको सपोर्ट बनाए, तो थोड़ा सा वो रुक सकता है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री बिल्कुल ओपन होती है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ से लेके चली हूँ यहाँ तक के मूव, एंड मुझे लगता है कि ये 20 अप्रैल तक, यहाँ तक के हम मूव आराम से देख सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो मेरे टारगेट हैं, क्योंकि यहाँ पे पुराने कोई भी, और ये जो रेजिस्टेंस है, मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे दो कलर हैं, यहाँ पे एक येलो कलर है, एक ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर वाली जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए मैंने कलर्स दो रखे हुए हैं कि ये वाली स्ट्रांग चीज़ें हैं जो ऑरेंज कलर की हैं, एंड दूसरी जो है वो थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे ऑरेंज, एक बार मैं इसको डिसेबल कर देती हूँ तो थोड़ा सा आसानी से दिख सकेगा हमें। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म के 20 अप्रैल तक मैं लेके चल, नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज, क्योंकि 11th की छुट्टी है जिसमें थर्सडे आता है, तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे एंड फ्राइडे हमें मिलेगा ट्रेड करने के लिए। एंड उसके बाद हमारे पास, इसलिए मैं 20 अप्रैल के तक के लेके चली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है छोटा सा हॉल्ट ले सकता है यहाँ पे, बट पोजीशन ज़रूर बन सकती है। मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में थोड़ा सा देखेंगे हम कि किस तरीके से मार्केट खुल रही है, क्या सेंटिमेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा जज करके, बैंक निफ्टी क्या कर रही है एंड क्या है, तो उसको थोड़ा सा जज करके हम यहाँ पर पोजिशन बनाएंगे। लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रांग इसकी पोजीशन है, एंड मुझे लगता है जब तक इसका रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, तो मैं यहाँ पे टारगेट लेके चली हूँ 70 के। जस्ट सेकेंड यहाँ पे लगा देते हैं 70 के टारगेट हमारे, तो लगभग 25% के मूव की उम्मीद है। अब यहाँ पे चले रहे हैं हम BSE पे, क्यों मैंने ये मूव लिए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूज़ आई है, फोर्थ को तो हमने असर देख ही लिया है उस न्यूज़ का, ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई है, स्टार्टिंग से करते हैं फोर्थ की, इससे पहले कोई न्यूज़ नहीं है, तो फोर्थ की न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। फोर्थ को न्यूज़ आई है कि इसका, यहाँ पे बताया था कि इसका जो टोटल डिपॉजिट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% का अप जंप देखा गया है, एंड ईयर ऑन ईयर 24% का। कासा जो होता है, करंट एंड सेविंग अकाउंट, उसमें देखा गया है जंप 24% का ईयर ऑन ईयर, एंड 10% का देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज़ अ वेरी गुड जंप, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, डिपॉजिट्स पे काफ़ी अच्छा जंप है, इसका मतलब है कि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा, बट बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लेट्स नॉट जंप द गन टू अर्ली, देखते हैं कि क्या बनता है। एंड यहाँ पे भी ग्रॉस लोन बुक आप देख सकते हैं, तो उसमें भी 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, 24% का ईयर ऑन ईयर है। डिसबर्समेंट्स पे 11% का जंप है, एंड 18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, 11% का ईयर ऑन ईयर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स भी इसमें दी गई हैं कि मार्च में कितना इन्होंने बिजनेस एंड एवरीथिंग वो सारा कुछ यहाँ पे बताया है इन्होंने, एंड यहाँ पे सारी और भी बड़ी सारी डिटेल दी गई हैं, बट मेन हमारा ये है, एंड ये हमारा काफ़ी अच्छा आया है। तो ये एक न्यूज़ है, ये 4 को न्यूज़ आई थी, एंड फिर अगेन ये भी 4 को न्यूज़ आई थी, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। फोर्थ को न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय स्टॉक समथिंग समथिंग प्लान होता है, ये मैं भूल गई, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, तो उसके आधार पे यहाँ पे ये 3,66,608 इक्विटी शेयर्स जो हैं फेस वैल्यू 10 के इससे अलॉट किए गए हैं, अप्रूवल उनको मिल चुका है, तो उसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ को न्यूज़ आई है, फिफ्थ को जो न्यूज़ आई है वो यहाँ पे, वी हैव वाई इंक्लोज द सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम के जया चंद्रन पार्टिसिपेटिंग कंपनी सेक्रेटरी ऑन, इसलिए यहाँ पे ये यह है कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है एंड क्वार्टर एंड होता है, उसकी जो रेगुलेशंस, जो भी उनको उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है एंड एवरीथिंग, तो ये तीनों की तीनों न्यूज़ जो आई हैं फिफ्थ को वो उसी के बारे में है। तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में फ़र्क डालेगी, अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज़, सॉरी कहाँ गया ये वाली न्यूज़। तो ये फोर्थ को आई है, एंड इसका असर ऑफ कोर्स हमें देखने को मिला है यहाँ पे भी, एंड मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और असर दिख सकता है। तो ये मेरा रीज़न है कि मैं यहाँ पे जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो ये लेके चली हूँ, एंड क्वार्टर का रिजल्ट यूजली लेट आता है, तो 1-1.5 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद भी आता है, कई बार 2.5 महीने बाद भी आता है, काफ़ी लेट भी देती हैं कुछ कंपनीज, तो देखिए ये कई बार जल्दी भी दे देती हैं, तो मैं वो भी सिनेरियो लेके चली। तो बेसिकली यहाँ का जो लेके चली हूँ मैं कि ये 70 के आसपास ट्रेड करा होगा, ये टाइम पीरियड लेके चली हूँ मैं, वैसे तो मुझे लग रहा है जल्दी हो जाएगा, पर टाइम पीरियड लेके चली हूँ 30-40 डेज का,
ठीक है, अगर जल्दी आ गया क्वार्टर रिजल्ट तो आप तो आगे बोलोगे मैम आपने तो बोला था हो जाएगा, ये तो हुआ नहीं। तो इसलिए मैं टाइम पीरियड आपको बता रही हूँ, 30 to 40 days का टाइम पीरियड लेके चले हैं हम यहाँ पे। एंड ये जो है 20 अप्रैल तक का टारगेट लेके चले हैं, 6.30% की मूव की उम्मीद करें हम। एंड उम्मीद है हमें ये 5960 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना काफी स्ट्रांग है, हो सकता है हमें यहाँ पे छोटा सा हिकअप मिले, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा पीरियड लेके चली हूँ। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है ये ना थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। वॉल्यूम की बात करें तो थर्सडे को वॉल्यूम आया था 41 मिलियन का एनएससी पे, एंड फ्राइडे को वॉल्यूम आया था 32.52 मिलियन का एनएससी पे। तो हो सकता है थोड़ा सा हिकअप ले ये यहाँ पे एंड कंसोलिडेट करे, तो हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव मूव मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा ये हॉल्ट बनाए यहाँ पे, फिर ये रेंज शिफ्ट मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मार्केट एंड बैंक निफ्टी को देख के चले। एंड स्टॉप लॉस मुझे लगता है स्ट्रांग वाला ये है, क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन आ सकती है तो स्टॉप लॉस हमारा जल्दी हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमारा 53.40 का लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पड़ी।